अंतर्राज्यीय बदमाशों से हथियारों का जखीरा बरामद। दो पिस्टल, एक रिवॉल्वर, हथियार बनाने के औजार बरामद। दोनों अभियुक्तों पर आर्म्स एक्ट, हत्या और लूट के कई मामले हैं दर्ज। हरियाणा, राजस्थान और यूपी के कई जिलों में हथियारों की करते थे सप्लाई। उत्तर प्रदेश की मथुरा पुलिस ने मौत की फैक्ट्री का खुलासा किया। मथुरा से पुलिस ने दो अंतर्राज्यीय बदमाशों से बड़ी मात्रा में हथियारों का जखीरा बरामद कर इस मौत की फैक्ट्री का खुलासा किया। तारीख 3 फरवरी 2018। जगह हाथिया तिराह, थाना बरसाना, जिला मथुरा, उत्तर प्रदेश। मथुरा की बरसाना पुलिस गश्त के दौरान जब हाथिया तिराहे पहुंची तो पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ लोग हसन के खेत में बने ट्यूबवेल के पास अवैध हथियार की फैक्ट्री चला रहे हैं। इस सूचना पर पुलिस ने हथियार तैयार करने की फैक्ट्री चला रहे लोगों को गिरफ्तार करने की कोशिश की तो अपराधियों ने पुलिस को देखकर उस पर फायरिंग शुरू कर दी, लेकिन पुलिस ने मुठभेड़ के बाद दो अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया। बरसाना के अंतर्गत ये एक फैक्ट्री पकड़ी गई है हाथिया गांव में, जिसमें दो अभियुक्त जो सातिर किस्म के लुटेरे भी पूर्व में रहे हैं, इनको रंगे हाथ फैक्ट्री बनाते हुए, ये असलाह बनाते हुए इनको गिरफ्तार किया गया है। इसमें 5 तमंचा देसी और 8 अर्धनिर्मित तथा 50 तमंचों का सामान मय उपकरण, इसको बनाने के उपकरण के साथ इनको गिरफ्तार किया। मुठभेड़ के बाद दो अपराधियों को पकड़ लिया गया। दोनों के कब्जे से एक एक पिस्टल बरामद हुई, साथ ही जिंदा कारतूस, एक रिवॉल्वर, 32 बोर और निर्मित और अर्धनिर्मित हथियार भी बरामद किए गए। कार्रवाई को सफलतापूर्वक अंजाम देने के लिए एसएसपी ने पुलिस टीम को 5,000 रुपए की इनाम की घोषणा भी की। अपराधियों की गिरफ्तारी और हथियारों की फैक्ट्री का खुलासा पुलिस के लिए बड़ी कामयाबी। बता दें कि ये अपराधी यहाँ से हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के कई जिलों में हथियार सप्लाई करते थे। गुनाह के लिए मथुरा से शिव प्रकाश शर्मा की रिपोर्ट। आप हमारे चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब कर सकते हैं न्यूज इंडिया निम्स पर। इसके अलावा आप ट्विटर पर भी हमें न्यूज इंडिया 17 पर फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पर आप न्यूज इंडिया .NIMS UNI पर हमें लाइक कर सकते हैं।